लाइन एंड शेप। तो आज मैं आप लोगों को क्लोज शेप का शेप के बारे में बताऊंगी। तो ये यहाँ पर क्या बना है, ये एक ऐसे कर्व बना हुआ है और जिसका पॉइंट क्या है यहाँ पर ए, ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पर मैंने एक और कर्व खींचा है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज शेप, क्लोज शेप। देखिए अब हम कुछ डिफरेंट शेप के बारे में बताएंगे। फ्लैट शेप, ये था हमारा क्लोज शेप, अब ये है हमारा फ्लैट, फ्लैट शेप, शेप्स। फ्लैट शेप में क्या है, ये हमारा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, अ रेक्टेंगल हैज फोर साइड, वन वन टू थ्री फोर, फोर साइड एंड कॉर्नर्स, फोर कॉर्नर्स, अपोजिट साइड आर इक्वल। मतलब ये जो साइड है ये इक्वल है और ये वाली जो साइड है वो इक्वल है। ये हो गया हमारा कॉर्नर, ये कॉर्नर भी हो गया और इसके जो साइड है फोर साइड होते हैं, तो ये क्या है हमारा, जो आमने सामने दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब इसके बाद है हमारा स्क्वायर, ये है स्क्वायर, स्क्वायर। स्क्वायर शेप क्या है, आ स्क्वायर हैज फोर साइड एंड फोर कॉर्नर, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर से स्क्वायर जो होता है दोनों साइड में फोर साइड होती है और इसके फोर कॉर्नर्स होते हैं और दोनों चारों कॉर्नर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, साइड्स होती हैं, वो हमारी इक्वल होती है। अब ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड एंड थ्री कॉर्नर। ट्रायंगल के कितनी साइड्स होती है, थ्री साइड्स है और हमारे ये सब क्या है, थ्री कॉर्नर्स है। अब क्या है हमारा सर्कल, ये क्या है सर्कल, सर्कल, सर्कल क्या है, सर्कल एंड ओवल्स हैव नो साइड्स एंड नो कॉर्नर। सर्कल में क्या होता है, कोई साइड नहीं होता, कोई कॉर्नर्स नहीं होता, सिर्फ एक सर्कल ऐसे गोल गोल बना दिया जाता है। अब ये क्या है ओवल, ये है ओवल। तो आप लोगों ने एग तो देखा ही होगा, एग हमारे किस शेप में होता है, ओवल के शेप में होता है। तो ओवल और सर्कल, इसकी कोई साइड्स नहीं होती, इसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे फ्लैट शेप। अब हम कल आपको अपनी वीडियो में सॉलिड शेप के बारे में बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।